फाइनल में सुनेंगे शमी की कहानी तो आंखों में आ जाएगा पानी। शमी पर करेंगे गर्व, झुक कर करेंगे सलाम। इधर गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे शमी, उधर माँ की हालत हो गई थी नाजुक। एक दिन पहले ही मांगी थी टीम इंडिया और बेटे की जीत की दुआ। क्या इसलिए मैदान पर फाइनल में परेशान दिखे थे शमी? चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। उधर माँ को अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। माँ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, लेकिन बेटे ने मैदान नहीं छोड़ा। बेटा देश के लिए खेलता रहा। बेटे ने देश को पहला विकेट भी दिलाया, लेकिन उसके बाद बाकी गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन ने टीम इंडिया को हरवाया। पता चल गया आज क्यों खो गया था फाइनल में शमी का करिश्मा। वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 24 विकेट और 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे फैंस सपना देख रहे थे, लेकिन वो सपना नहीं देख रहे थे बल्कि शमी की सुनामी आई थी, जिनकी आग उगलती गेंदों ने गोल्डन बॉल पर कब्जा कर लिया। गुजरात के अहमदाबाद में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जब शमी मैदान पर उतरने जा रहे थे तो उनकी माँ अंजुम आरा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शमी की मां की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें स्थानीय डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ले जाया गया। शमी का परिवार फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद जाने वाला था, लेकिन मां की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो केवल उनके बड़े भाई हसीब और उनका परिवार ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम जा सका। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उनकी माँ ने एक दिन पहले ही बेटे और भारतीय टीम को विश्व विजेता बनने के लिए जीत की दुआ मांगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें घबराहट और चक्कर आने की शिकायत पर मुरादाबाद के सुपरटेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोई सीरियस मामला नहीं है, उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक एक दिन पहले अंजुम ने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े फाइनल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि भगवान शमी को सफल करे। मोहम्मद शमी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। शमी वर्ल्ड कप के 18 मैचों में 55 विकेट ले चुके हैं, जिनमें 4 बार 4-4 विकेट और 4 बार 5-5 विकेट शामिल है। शमी ने पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम के 55 विकेट के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैकग्रा के नाम है। उन्होंने 39 मैचों की 39 पारियों में कुल 71 विकेट चटकाए। भारत की ओर से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज जहीर खान थे। उन्होंने 23 मैचों की 23 पारियों में कुल 44 विकेट लिए थे, जबकि तीसरे नंबर पर जवाकर श्रीनाथ हैं, जिन्होंने 34 मैचों में 33 पारियों में कुल 44 विकेट लिए थे। शमी ने इस वर्ल्ड कप में इन दोनों ही गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले भारत को 240 रनों पर ऑल आउट किया, फिर 4 विकेट खोकर 43 ओवर में 241 बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही भारत को तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया। फाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी गेंद से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इतना बहुत है कि उधर माँ की तबीयत खराब थी उसके बावजूद मोहम्मद शमी मैदान पर थे, उसके बावजूद वो टीम इंडिया के लिए जान लड़ा रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने टीम इंडिया को पहली सफलता भी दिलाई। अगर बाकी गेंदबाजों का साथ मिलता तो हो सकता है मोहम्मद शमी का भी वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा होता और करोड़ों भारतीयों का भी। लेकिन शमी ने आज जो भी किया, दिल से शमी को सलाम करने का मन कर रहा है। ऐसा जिगरा हर किसी का नहीं होता। शमी ने अपनी माँ से पहले देश को चुना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है तो आप शमी के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और शमी पर कोई कमेंट कीजिए।